एयरफोर्स में हुए और बैटिंग में डाल दिया। इतना पढ़ने लिखने के बाद जब बैटिंग में डाल दिया मुझे कोई प्राइवेट जॉब करना उचित नहीं लगा। मैंने खुद अपने कुछ बिजनेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आज मैं ब्लॉगिंग करते करते एक रोड पे आ गया था जहां पर मैंने देखा कि एक रिक्शे वाले भैया मिले। जो भैया मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारे बेरोज़गार हैं हिंदुस्तान में, तो वो भैया का बीएससी फाइनल है और वो एयरफोर्स में सिलेक्टेड भी हुए थे लेकिन वहाँ से उनका वेट लिस्ट में चला गया और वो अब रिक्शा चला रहे हैं। तो आज उनसे आपको मिलाने वाला हूँ और उनसे बात करूँगा। तो आइए मेरे साथ, मैं उनसे बात करवाता हूँ आपको वो मतलब क्या क्या स्ट्रगल किए और कैसे रिक्शा रिक्शे का भैया। अरे रुको यार, तो ये भैया आपका भैया नाम क्या है? अमन सिंह मौर्य। आपका आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। तो आज हम अमन भाई से बात करने वाले हैं जो कि एक ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं और ये एयरफोर्स में सिलेक्टेड भी हैं बट वेट लिस्टेड हैं। तो अमन से कुछ जानकारी लेते हैं, आपको दिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसी तरीके से न्यूज़ मिलती रहे। तो आपका नाम क्या है? अमन सिंह मौर्य। आपने रिक्शा क्यों चलाना स्टार्ट किया? क्यों आप तो बता रहे थे कि आप एयरफोर्स में सिलेक्टेड हैं और आपने ये ऑटो पे लिखाया है ग्रेजुएट रिक्शा वाला, ऐसा क्यों? हाँ, वो क्या है कि जब एयरफोर्स में हुए और बैटिंग में डाल दिया, इतना पढ़ने लिखने के बाद जब बैटिंग में डाल दिया मुझे कोई प्राइवेट जॉब करना उचित नहीं लगा। मैंने खुद अपने कुछ बिजनेस सोचा तो बस ऑटो निकाल लिया और चलाते हैं इसी को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भैया जो हैं ये ग्रेजुएट हैं, एयरफोर्स की तैयारी की इन्होंने और ये सिलेक्ट भी हो गए बट उसमें वेट लिस्टेड जाने के बाद इन्होंने एक ऑटो रिक्शा निकाला और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि जो स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई है और आज ये अच्छी खासी अर्निंग इस रिक्शे से कर ले। रिक्शे वाले भैया को बाहर बुला के इनसे कुछ बातें करते हैं और इनके लाइफ के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। तो भैया आप कैमरे के सामने आगे आ जाइए। तो मेरा सबसे पहले सवाल है आपसे कि आपने रिक्शा ही चलाना क्यों उचित समझा? देखिए, जब एयरफोर्स में हो के फिर नहीं हुआ, नहीं जा पाए तो बहुत निराश हो गए। दो तीन प्राइवेट जॉब भी पकड़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि 10-12 हज़ार जॉब हुई और पूरा 12-14 घंटे का काम। तो मैंने सोचा कि अपना कुछ बिजनेस किया जाए, तो मैंने ऑटो निकाल लिया। तो फिर ऑटो चला। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, इन्होंने एक ऑटो निकाला और ऑटो पे फिर इन्होंने अपना सफ़र चालू कर दिया। तो आप अपने बारे में और कुछ बताइए। और यही है कि मतलब इतना पढ़ने के बाद में जो लोग भी मिलते हैं बोलते हैं भैया आप ऑटो चला रहे हो, इतना छोटा काम कर रहे हो, तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अम्मी जान।